दिल्ली के जामिया में बवाल होने के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। इसको लेकर नोएडा कालिंद कुंज से महामाया और नोएडा सेक्टर 18 और 16 ए के पास तक वाहनों की कतार लग गई। कई किलोमीटर तक लगा भीषण जाम होने के कारण लोगों को ऑफिस और अपने घर जाने में परेशानी हो रही है। कई जगह सड़कों पर एम्बुलेंस फंसी हुई देखी गई, क्योंकि पिछले दो दिनों से सरिता बिहार की ओर जाने वाली गाड़ी के रूट डायवर्जन किया गया है, जिसके कारण नोएडा शहर में जाम की हालात बनी हुई है। दस्तक टीवी ब्यूरो रिपोर्ट।